अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुकिंग एक्सपर्ट खिजरान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन क्वीन। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी अरबिक मंदी, मंदी लहम व मंदी दज्जाज। इसे हम सर्व करेंगे बहुत सारे मज़ेदार चटपटे सॉसेस के साथ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं सॉसेस की रेसिपी और बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। 1 किलो यानी कि तकरीबन 5 कप के बराबर मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी के सेला बासमती चावल लिए हैं। रेस्टोरेंट्स में जो मंदी मिलती है वो सेला बासमती चावल से बनाई जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप रेगुलर बासमती का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। सेला बासमती को 2 से 3 घंटे और रेगुलर बासमती को आधा घंटा भिगोएंगे। 2 किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया है और इसे मैंने इस तरह से बड़ी बड़ी बोटियों में कटवा लिया है। ये रान और दस्ती का गोश्त है जो मैंने मिक्स करके लिया है। मेरे घर में गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं 1 किलो चावल के साथ 2 किलो गोश्त ले रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो कम भी ले सकती हैं। सबसे पहले यखनी तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल गरम किया है मैंने, उसमें मैं डाल रही हूँ साबित गरम मसाला, साथ ही मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज का कलर जब गोल्डन ब्राउन हो गया तो अब मैंने शामिल किया है गोश्त। इसे मैं तेज़ आंच पर उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखिए, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पानी, साथ ही मैं डाल रही हूँ साबित लहसुन और 1 टुकड़ा अदरक का। अच्छा, अब नमक के हिसाब को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इसी यखनी के अंदर हम चावल पकाएंगे, ठीक है। 1 कप चावल के लिए 1 टीस्पून नमक लेना है हमें। 5 कप चावल हैं तो मैं डाल रही हूँ 5 टीस्पून नमक। 1 किलो गोश्त के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून नमक। 2 किलो गोश्त है इसलिए मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। अब आपके पास जितने भी चावल या जितना गोश्त हो आप उस हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। यखनी कितनी इस्तेमाल होगी ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। यखनी में उबाल आ गया है, अब इसके ऊपर ये जो स्कम आ गया है इससे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये बेसिकली गोश्त की गंदगी है, इसलिए इसे हम निकाल देंगे। अब मैं इसे ढककर हल्की आंच पे 3 से 4 घंटे के लिए पकाऊँगी, जब तक कि गोश्त बहुत अच्छे से ना गल जाए, ठीक है। आपके पास बोटियाँ छोटी बड़ी जिस साइज़ की हों उस हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर लीजिए। पानी भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप मज़ीद ऐड कर सकती हैं। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। मेरी फैमिली एकदम गला हुआ गोश्त खाती है, इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा गलाया है। आप चाहें तो कम गला लीजिए। अब यखनी का हिसाब समझ लीजिए। 1 कप चावल के लिए 2 कप यखनी, 5 कप चावल के लिए 10 कप यखनी। अगर यखनी 10 कप से ज़्यादा है तो उसे पका के कम कर लीजिए, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी यखनी में शामिल किया हुआ है। अगर आपके पास यखनी ज़्यादा है और आपने थोड़ी सी यखनी छोड़ दी तो फिर चावलों में नमक कम हो जाएगा। और अगर आपके पास यखनी कम है, 8 या 9 कप है, तो आप थोड़ा सा सादा पानी डालकर उसे पूरा 10 कप कर लीजिए, ठीक है। अब आपके पास जितने चावल हैं उस हिसाब से यखनी और नमक का हिसाब कर लीजिए। एक बड़े से खुले पतीले के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया है, गरम मसाला शामिल करके हल्का सा फ्राई किया है और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ प्याज। मंदी असल में यमनी डिश है, इसमें मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है और बहुत ही कम मसालों के साथ इसे बनाया जाता है। इसका असल जायका उस वक्त आता है जब आप इसके साथ मज़े की सॉसेस या चटनियाँ सर्व करते हैं। चूँकि ओरिजिनल रेसिपी में मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए मैं भी नहीं डाल रही हूँ, अलबत्ता अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर यखनी शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी देर के लिए मैं ढक दूँगी ताकि अच्छे से उबाल आ जाए। चलिए, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तेज़पत्ता और 2 अदद स्याह सूखे नींबू। आप पीले सूखे नींबू भी डाल सकते हैं और अगर आपको सूखे नींबू नहीं मिलते तो स्किप कर दीजिए। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसके अंदर चमचा बिल्कुल नहीं चलाऊँगी, आँच फुल है और ढक्कन नहीं लगाना है। इन सारे पॉइंट्स को मैंने देगी पुलाव की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। जब तक चावल पक रहे हैं मैं जल्दी से आपको चिकन का प्रोसीजर बता देती हूँ। 1 अदद 1.25 किलो का चिकन लिया है मैंने स्किन के साथ और मैंने इसके 8 टुकड़े करवा लिए हैं। प्रोसीजर सेम ही है। साबित गरम मसाले और प्याज को फ्राई किया, चिकन को शामिल किया, जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया तो उसके अंदर पानी डाल दिया, साथ ही साबित लहसुन और अदरक भी शामिल कर दिया। नमक का हिसाब भी सेम है, 5 चम्मच मैंने डाला है चावलों के लिए। चिकन का वज़न 1.25 किलो है लेकिन मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है चिकन के लिए। ऊपर जो स्कम आ गया है उसे मैं निकाल रही हूँ और इतनी देर पकाऊंगी कि चिकन गल जाए। अच्छा, मुझे इस यखनी की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसे एज ए सूप सर्व करूँगी। ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाई है कि अगर आप चिकन मंदी बनाना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा। चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, मैंने साइड से चमचा डाल के इस तरह से चेक कर लिया है, लेकिन चमचा मैंने अभी चलाया नहीं है। अब मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए दम दूंगी। एक अदद बड़ा सा फ्राइंग पैन लिया है मैंने और इसमें थोड़ा सा तेल डाला है। तेज़ आंच पर मैं गोश्त को इतनी सी देर के लिए फ्राई करूंगी कि हल्का सा कलर आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे फ्राई करके इसे एहतियात से निकाल लेंगे। थोड़े से फूड कलर को मैंने पानी में घोल लिया है और इसे मैं चिकन के ऊपर लगा रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। चिकन को भी 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसे निकाल लेंगे। 5 मिनट के बाद मैं चावलों को हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ, चावल बिल्कुल खिले खिले से हैं। अब चावलों के ऊपर एक साइड पर मैं गोश्त रख रही हूँ और एक साइड पर मैं चिकन डाल रही हूँ। इसे ढककर मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद दम दूँगी और इतनी देर में हम सॉसेस तैयार कर लेते हैं। रेस्टोरेंट्स में मंदी के साथ टमाटरों की कच्ची चटनी सर्व की जाती है। एक ब्लेंडर में टमाटर, लहसुन, हरी मिर्चें और ताज़ा हरा धनिया डालकर मैं इसे पल्स मोड पे चला रही हूँ। पानी ऐड नहीं करना है। इस चटनी का टेक्सचर चंकी होना चाहिए। अगर आपके पास पल्स मोड नहीं है तो ब्लेंडर को थोड़ा रोक कर चलाइए ताकि एकदम पेस्ट ना बन जाए। एक बोल में निकालकर मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। दुबई में कुछ रेस्टोरेंट्स में मंदी के साथ हरी मिर्चों का पेस्ट भी सर्व किया जाता है। अगर आपको मंदी स्पाइसी पसंद है तो इस पेस्ट को ज़रूर बनाइए। हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें लेकर उनमें थोड़ा सा पानी डालिए और गाढ़ा सा पेस्ट बना दीजिए। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मंदी के साथ दही या लबन लेना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को रायता बहुत पसंद है इसलिए मैं मज़ेदार सा रायता सर्व कर रही हूँ। ब्लेंडर में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा पानी डालकर मैंने एक पेस्ट बना लिया है। दही को मैंने फेंट लिया है। अब मैं उसके अंदर ये पेस्ट, थोड़ा सा नमक, भुना पिसा ज़ीरा शामिल करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इंतहाई लजीज अरबिक मंदी तैयार है। ये देखिए गोश्त इतना मज़े का गला हुआ है। इसे इन सारी चटनियों और रायते के साथ सर्व कीजिए, साथ में थोड़े से सलाद भी सर्व कीजिए। मेहमान आपसे रेसिपी पूछ के जाएंगे। अगर आपसे ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली रेसिपी के साथ।